वेलकम एवरीवन टू माइंडफुल कोचिंग। लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार अपने बारे में क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम प्रियोदास है, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। उसी के साथ मैं एक यूजीसी नेट होल्डर हूँ एंड करेंटली मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ एंड एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का मैं विजिटिंग प्रोफेसर भी हूँ। मेरा वेरियस इंटरनेशनल जर्नल्स पे पब्लिकेशन से बुक चैप्टर्स है एंड रिसेंटली मैं वेब ऑफ साइंस पोर्टल का एक सर्टिफाइड रिव्यूअर भी हुआ हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है वो है क्राफ्टिंग द बिजनेस प्लान। देखो, बिजनेस प्लान जो है उसको डेवलप करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अब बिजनेस प्लान बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है ऑनगोइंग बिजनेस प्लान, मतलब जो मार्केट पे है, जो प्रोडक्ट और जिस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट पे है उसको लेकर ही बिजनेस स्टार्ट करना। और एक होता है इनोवेटिव वे में अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना, जो इस वीडियो का मेन मुद्दा होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ होगा, एक होगा बिजनेसमैन और एक होगा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है डिफरेंस। एक एंटरप्रेन्योर एंड एक बिजनेसमैन का क्या डिफरेंस होता है? देखो, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो भी पर्टिकुलर एक बिजनेस ही एस्टैब्लिश करता है जिसके थ्रू से वो अपने आप एक रेवेन्यू सोर्स जेनरेट करता है। एंड सेम गोज फॉर द बिजनेसमैन, वो भी एक बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करता है, वेदर इट इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल, डजेंट मैटर, उसके ऊपर बेस करके वो अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू जेनरेट करता है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? देखो, दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो है इनोवेशन का। ठीक है, इनोवेशन जो है ये टर्म सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। जो बिजनेसमैन होता है वो एग्जिस्टिंग मार्केट पे अपना पावर यूज करके या अपना स्ट्रेटेजी यूज करके वो फ्लरिश करता है, बट जो एंटरप्रेन्योर है वो एग्जिस्टिंग मार्केट को ऑब्जर्व करता है, पॉसिबिलिटीज देखता है कि क्या क्या चेंजेस आ सकता है, इनोवेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, उसके ऊपर बेस करके वो अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है, लेटर ऑन वो बिजनेस करता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स है, एंटरप्रेन्योर्स जो है वो मार्केट क्रिएटर होगा एंड जो बिजनेसमैन है वो मार्केट प्लेयर होगा। ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग मार्केट पे वो अपने आप ही खेलता है एंड जो एंटरप्रेन्योर्स है वो खुद का मार्केट या एक पर्टिकुलर न्यू मार्केट डेवलप करता है। तो क्योंकि देखो, बिजनेस दोनों ही करेगा, दोनों का ही ऑर्गेनाइजेशन होगा, कंपनी होगा, दोनों ऑर्गेनाइजेशन कंपनी पे वेरियस काइंड ऑफ एम्प्लॉयज भी काम करेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा ग्रो करेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्लो ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ होता है ये डिपेंड करता है इस वर्ड इनोवेशन के ऊपर। तो आई होप ये जो बेसिक डिफरेंस है, ये एक ही वर्ड का डिफरेंस होता है जो कि है इनोवेशन, इसको कभी भूलना मत। ठीक है, इनोवेशन के बिना एक एंटरप्रेन्योर सिंपल बिजनेसमैन ही होता है। ठीक है, उसके बाद अब ये इनोवेशन होगा कैसे, मतलब इनोवेशन करना कुछ ऐसा तो नहीं कि स्टार्ट कर दिया इनोवेट, कुछ काम स्टार्ट हुआ और साथ ही में इनोवेट हो गया, ऐसा नहीं होता है। इनोवेशन एक मेथोडिकल प्रोसेस होता है जहाँ पे बहुत सारा स्टेजेस फॉलो किया जाता है, लाइक देयर आर आई थिंक 7 stages or 8 stages। एंड उसी के साथ इनोवेशन हम लोग करेंगे कहाँ पे, है ना, मतलब इनोवेशन का आइडिया तो मान लो तुम्हारे पास आ गया, यू हैव द आइडिया, बट कहाँ पर वो आइडिया इम्प्लीमेंट तुम करोगे? क्या वो प्रोडक्ट पे होगा, प्राइस पे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे होगा, कहाँ पे होगा? तो ये सब डिसीशन जो लिया जाता है ये बेसिकली लिया जाता है बिजनेस प्लान डेवलप करने के टाइम पे। ठीक है, तो बिजनेस प्लान जो होता है ये एक समराइज्ड स्टेटमेंट होता है, जो भी किताब में या बुक्स पे, गूगल में, जहाँ पर भी देखोगे वहाँ पे सब एक समराइज्ड स्टेटमेंट दिया जाता है कि ये कंटेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक सिलेक्टिंग अ मार्केट, उसके बाद मान लो कि ये एन नंबर की अप्लाइंग फॉर फाइनेंस और लोन एट्सेट्रा, ये सब चीज़। बट एक बिजनेस प्लान डेवलप करना भी एक बहुत ही ज़्यादा मेथोडिकल प्रोसेस होता है। अगर ये इतना ज़्यादा मेथोडिकल होता है, अगर एक भी स्टेप आगे या पीछे हो जाएगा तो वो पूरा बिजनेस प्लान गलत हो जाएगा। कि एक बिजनेस प्लान जो है वो एक मेथोडिकल स्टेज होता है या मेथोडिकल प्रोसेस होता है, मतलब एक के बाद एक वो सीरियली आता जाएगा। अगर मान लो कि 1 के बाद ये 2 नहीं, डायरेक्ट 3rd स्टेज पे कोई चला गया तो वो बिजनेस प्लान बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या कंटेंट्स होता है जिसको हम सबको ध्यान में रखना पड़ेगा? सबसे पहला तो देखिए, हम लोगों को एक
पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जहाँ पर भी तुम बिजनेस करोगे या कुछ भी करोगे उसका एक प्रोडक्ट कैटेगरी होता है। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, कैफे, एफएमसीजी गुड्स एट्सेट्रा, ये सब चीज़। तो सबसे पहले तुमको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे तुम बिजनेस करोगे उस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस को तुमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या तुम अपने लोकेलिटी में करोगे, क्या तुम अपने लोकेलिटी से बाहर जाके करोगे, ठीक है, क्या तुम डिजिटली करोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट तुमको मिले। तो ये तुमको एक डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन सा मार्केट प्लेस तुमको चाहिए। उसके बाद एक मार्केट प्लेस डिटरमाइन करने के बाद उस मार्केट प्लेस का एसटीपी कैरी आउट करना पड़ेगा। एसटीपी मतलब सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। एसटीपी मतलब सेगमेंटेशन, जिसको मैं एससीजी से डिनोट करता हूँ, टारगेटिंग को मैं टीए से डिनोट करता हूँ एंड पोजिशनिंग को मैं पीओ से डिनोट करता हूँ, ठीक है। ये जो तीन स्टेज है ये कोई भी बिजनेस का सबसे स्टार्टिंग, अगर ये तीनों स्टेज कोई अच्छे से करेगा तो उसका बिजनेस जो है फ्लरिश करेगा। और अगर यहाँ पे कोई मतलब आगे पीछे कुछ होगा तो वो बिजनेस जो है वो फेल हो जाएगा। तो सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, क्विक रिविजन दे देता हूँ। जो लार्ज चंक ऑफ मार्केट है, मान लो ये पूरा मार्केट है, यहाँ से तुम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या स्मॉल चंक ऑफ मार्केट को तुमने सिलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, इसको हम सेगमेंट बोलेंगे। मान लो कि ये सेगमेंट वन है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिवाइडेशन होता है ये किस किस के ऊपर बेस करके होता है, जैसे साइकोलॉजिकल डिफरेंशिएशन होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, सोशियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, बहुत सारा चीज लाइक डेमोग्राफिकल, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर तुम पैरामीटर लो, उसके ऊपर बेस करके तुम ये मार्केट को छोटे छोटे ये चंक में डिवाइड कर दो, ठीक है, इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। अब ये मान लो कि सेगमेंट टू है, ये सेगमेंट फॉर एग्जाम्पल थ्री, ये फोर एंड सो ऑन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेज आता है सेगमेंट करने के बाद वो होता है टारगेटिंग। अब ये टारगेटिंग क्या है, टारगेटिंग मतलब ये जो सेगमेंट हम लोगों ने किया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पांच या छह सेगमेंट है ऑल टोटल, तो इन छह सेगमेंट से तुम किन सेगमेंट को सिलेक्ट करोगे। तुम या तो फॉर एग्जांपल सेगमेंट वन को सिलेक्ट कर सकते हो, सेगमेंट टू को सिलेक्ट कर सकते हो, थ्री को, फोर को, या सब सेगमेंट को सिलेक्ट करते हो कर सकते हो। ये सिलेक्शन बेसिकली ना एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, ठीक है, ये एक सब्जेक्टिव, यहाँ पे कोई रैशनल डिसीजन नहीं ले जाता है, ये एक सब्जेक्टिव डिसीजन होता है कि जो एंटरप्रेन्योर है उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसका फाइनेंस अवेलेबिलिटी कितना है, उसके ऊपर बेस करके ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट है इन सबको टारगेट किया जाता है, ठीक है। अब इस टारगेटिंग के बाद आता है पोजिशनिंग, इसको मैं अभी रहने देता हूँ। पोजिशनिंग एक अलग से मतलब एक यूनिट है, बहुत ही लेंदी है, ठीक है, ये दोनों को अच्छे से समझो कि सबसे पहले जो सेगमेंट होता है मतलब एक बिग ग्रुप ऑफ मार्केट को स्मॉलर पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फिर या तो एक पार्ट को सिलेक्ट करो या मल्टीपल पार्ट्स को सिलेक्ट करो ताकि तुम अपना जो मार्केट है उसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू तुम क्रिएट कर सको। जब भी कोई ब्रीफ ओवरव्यू होगा इसका मतलब तुम उस चीज़ को अच्छे से समझोगे, ठीक है। ब्रीफ ओवरव्यू मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए ही ये सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज देखो, यहाँ पे है टारगेटिंग अ पर्टिकुलर सेगमेंट। किस बेसिस पे किया जाएगा, मैंने बोला था कि मान लो कि डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, जियोग्राफिक एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्वॉट, कैरिंग आउट द स्वॉट एनालिसिस। ये जो चीज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, देखो जो स्वॉट है ये बेसिकली स्ट्रेंथ, W से होता है हम लोगों का वीकनेस, O से होता है अपॉर्चुनिटी एंड T से होता है थ्रेट। ये बेसिकली ना ये क्वाड्रेंट पे आता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये एक क्वाड्रेंट है जिसके ऊपर बेस करके ये एनालिसिस किया जाता है। अब जो ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है ये बेसिकली इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है, इंटरनल पार्ट मतलब इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है वो इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का मान लो स्ट्रेंथ है कि उसके पास बहुत पैसा है, और उसी ऑर्गेनाइजेशन का मान लो कि वीकनेस है उसके पास मैन पावर कम है, तो ये इंटरनल होता है। नेक्स्ट ऑन द अदर एंड क्या होता है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये जो दो चीज़ है ये बेसिकली एक्सटर्नल होता है, ठीक है, ये बेसिकली एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द कंपनी, जो कंपनी के कंट्रोल पे नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी ये भी आ सकता है, एक थ्रेट भी आ सकता है, वो मार्केट पे हो सकता है, कंपनी के अंदर नहीं,
अब ये अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को कोई एक्सप्लॉयट कर सकता है अपना स्ट्रेंथ के हिसाब से, ठीक है, या अपने वीकनेस को हटाने के लिए वो स्ट्रेंथ यूज करके अपॉर्चुनिटी को वो ले सकता है। तो इस तरीके से ये स्वॉट एनालिसिस होता है। लेकिन ये जो स्वॉट एनालिसिस है ये किसका होगा? ये इन जनरल दोनों का ही किया जाता है, बोथ द कंपनी एंड द मार्केट, ठीक है। तो याद रखना कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जिस प्लेस पे हम लोग वो सेल करेंगे या बिजनेस स्टार्ट करेंगे या दुकान खुलेंगे उस पर्टिकुलर मार्केट को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उस मार्केट के लोकेलिटी में क्या है या उन उस मार्केट का जो कस्टमर्स है उनका प्रेफरेंस, टेस्ट, ये सब क्या है, ये जानने के लिए हमें एसटीपी करना पड़ेगा, मतलब सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। उसके बाद हमको एक टारगेट करना पड़ेगा सेगमेंट को, मतलब एक सेगमेंट को टारगेट करना पड़ेगा। उसके बाद उस टारगेटेड सेगमेंट प्लस हम लोगों का जो कंपनी होगा उसका स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। याद रखना कि जो एस एंड डब्ल्यू है वो इंटरनल टू द कंपनी होता है, ओ एंड टी मतलब अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट जो होता है वो एक्सटर्नल टू द कंपनी होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो सिक्स्थ स्टेज है ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्टेज होता है, ये होता है डेवलपिंग अ मार्केटिंग मिक्स, एक सेकेंड, हाँ ये होता है डेवलपिंग अ मार्केटिंग मिक्स। इसके ऊपर बेस करके ना कोई भी बिजनेस का जो भी फ्यूचर है वो डिटरमाइन होता है। कैसे होता है देखो, एक मार्केटिंग मिक्स के चार पीस होता है जिसको बोला जाता है प्रोडक्ट, ये बहुत बेसिक है, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। अब ये जो चार एलिमेंट है इन चारों एलिमेंट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इनोवेशन करेंगे। अब इनोवेशन होगा किस बेसिस पे इनोवेशन होगा, देखो इनोवेशन ऐसे ही नहीं किया जाता है, ठीक है, कि मान लो कि सुबह हुआ मुझे लगा कि इनोवेट होगा चलो इनोवेट कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है। इनोवेशन का भी एक प्रोसेस होता है, एक बेस होता है, अब हर चीज़ का एक बेस होता है। इनोवेशन का बेस क्या होगा, वो हम लोगों का जो सेगमेंट हमने टारगेट किया है उस टारगेटेड सेगमेंट वो हम लोगों का बेस होगा, ठीक है। इनोवेशन का जो सेगमेंट हमने टारगेट किया है उस टारगेटेड सेगमेंट का जो कस्टमर से उनका टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, उनका इनकम क्या है, उनका साइकोलॉजी क्या है, उसके ऊपर बेस करके हम ये इनोवेट करेंगे। अब इनोवेट हर एक चीज़ पे या हर एक एलिमेंट पे नहीं होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले अब प्रोडक्ट को इनोवेट करने के लिए, ध्यान से सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्ट को इनोवेट करने के लिए ये जो प्रोडक्ट है इसका ना फाइव डायमेंशंस होता है, ठीक है। एक प्रोडक्ट का पांच डायमेंशन होता है, एक होता है एकदम बेसिक प्रोडक्ट, मतलब जो कंसेप्ट प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन का क्या कंसेप्ट है कि वो कॉल होगा, इंटरनेट एक्सेस होगा। एक सिंपल सा सीलिंग फैन का क्या कंसेप्ट है, वो हवा देगा, ठीक है, कम्फर्ट देगा। उसके बाद क्या होता है जेनेरिक लेवल, जेनेरिक लेवल मतलब जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स या टेंजिबल एस्पेक्ट्स होता है, जो रिक्वायरमेंट होता है उस जो कंसेप्ट है उसको फिजिकल फॉर्म में लाने के लिए, कंसेप्ट को फिजिकल फॉर्म में लाया जाता है इस पर्टिकुलर लेवल पे। जेनेरिक लेवल पे जो कंसेप्ट है बेसिक लेवल का उसको हम फिजिकल फॉर्म में लाते हैं। फिर आता है एक एक्सपेक्टेड लेवल, ये एक्सपेक्टेड लेवल क्या होता है, एट द टाइम ऑफ परचेसिंग सम प्रोडक्ट हम लोग जो फीचर को एक्सपेक्ट करते हैं वो आता है इस एक्सपेक्टेड लेवल पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीलिंग फैन का क्या एक्सपेक्टेशन होगा, साउंडलेस होगा, अच्छा हवा देगा, तीन या चार या दो ब्लेड होगा, जितना भी ब्लेड है हो, ये हम लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है। उसके बाद आता है क्या, ऑगमेंटेड लेवल। ये जो लेवल है ये लेवल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है पूरे बिजनेस का, एंड इस लेवल पे ही जो इनोवेशन है वो होता है, ठीक है। जो इनोवेशन होता है वो यहीं पर होता है। ऑगमेंटेड लेवल मतलब मान लो दो कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। ये जो कंपनी ए एंड बी है ये ए एंड बी किस चीज़ के ऊपर, ये किस पैरामीटर के ऊपर बेस करके डिफरेंट, ठीक है। ए डिफर कैसे करेगा बी से या बी डिफर कैसे करता है ए से, ये जो चीज़ है ये ऑगमेंटेड फैक्टर लाता है, ठीक है। अब मान लो कि जो सीलिंग फैन है वो सीलिंग फैन कोई मान लो पोर्टेबल सीलिंग फैन लाया जो बहुत ही हल्का है, हवा बहुत अच्छा देता है, तो वो ऑगमेंट होगा, इनोवेट होगा, ठीक है।
ये जो यूनिकनेस है ये लाया जाता है यहाँ से। उसके बाद जो लास्ट लेवल होता है वो होता है पोटेंशियल लेवल। पोटेंशियल लेवल मतलब नियर फ्यूचर पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फिर से कैसे या क्या क्या जो यूनिकनेस है, इनोवेशन है, वो आ सकता है। ठीक है, ये होता है पोटेंशियल लेवल, मतलब नियर फ्यूचर पे क्या चेंजेस आ सकता है उसको डिटरमाइन किया जाता है यहाँ पे। तो इनोवेशन कहाँ पे होता है? ऑगमेंटेड लेवल पे। ठीक है, अगर कोई भी इनोवेशन प्रोडक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा तो वो इस लेवल पे होगा। ठीक है, अब एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है इन तीनों लेवल के ऊपर, जो कि है एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड एंड पोटेंशियल। देखो, आज का जो पोटेंशियल लेवल है वो फ्यूचर का ऑगमेंटेड लेवल हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इनोवेशन का आइडिया है यहाँ पे, या कंसेप्ट है हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आइडिया और कंसेप्ट जब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो वो हो जाएगा क्या? इनोवेशन। अब ये जो इनोवेट करके जो मार्केट में ग्रोथ मिलेगा, जो भी रेवेन्यू अर्न होगा, उसको देखते हुए जो कंपटीटर्स है वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, सिंपल बात है। अब वो बिजनेस से क्या होगा, मार्केट पे जो यूनिक प्रोडक्ट था वो यूनिकनेस खत्म हो जाएगा, हर एक इंडिविजुअल के पास वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो एक्सपेक्टेशन आ जाएगा कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदूंगा तो ये वाला फीचर मुझे चाहिए। तो एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है कि हमेशा ये जो पोटेंशियल लेवल है उसको ढूंढते रहो एंड अप्लाई करते रहो, क्योंकि आज का जो पोटेंशियल है वो कल का ऑगमेंटेशन होगा एंड कल का ऑगमेंटेशन परसों का एक्सपेक्टेशन होगा। ठीक है, तो ये होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट होता है टेस्ट एंड एडजस्ट। मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक एक्सपेरिमेंट करके उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट एकदम तुरंत मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को टेस्ट करके देखना पड़ता है, जिसको बोला जाता है टेस्ट मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद जब अगर यहाँ से एक पॉजिटिव साइन आएगा तब स्टार्टिंग प्रोडक्शन एंड सो ऑन लाइक फाइनेंस एटसेट्रा। उसके बाद जो गूगल में मिलता है ना कि बिजनेस प्लान क्या होता है, उसका कंटेंट्स क्या होता है, इस स्टेज नंबर 7 के बाद से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, कुछ भी कर लो, ये जो सीक्वेंस है इसको मेंटेन रखना, क्योंकि एक भी सीक्वेंस अगर ब्रेक होगा तो इसका मतलब जो बिजनेस प्लान है वो फ्लॉप होगा। क्यों? देखो, अगर तुमको तुम मार्केट प्लेस के बारे में नहीं जानते हो तो तुमको क्या होगा, तुम सेगमेंटेशन नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो तुम सेगमेंट नहीं किए, टारगेट सेगमेंटेशन नहीं हुआ मार्केट का, तो तुम टारगेट कैसे करोगे? अगेन एक सिनेरियो मान लो कि तुमने सेगमेंट को टारगेट नहीं किया तो तुम स्वॉट कैसे करोगे? ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ये जो था ये बेसिकली प्रोडक्ट का था, जो मैंने पिछले स्लाइड में समझा दिया। फिर से बोलता हूँ, एक बार याद रखना कि ऑगमेंटेड लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, इनोवेट करते हैं। एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है कि पोटेंशियल लेवल को हमेशा ढूंढते रहो, क्योंकि आज का जो पोटेंशियल है वो कल का ऑगमेंटेड हो जाएगा, कल का जो ऑगमेंटेड है वो परसों का एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा फियर्स कंपटीशन है इस पर्टिकुलर मार्केट पे। ठीक है, अच्छा, अगर इस तरीके से फॉलो करके कोई बिजनेस स्टार्ट होगा तो वो बिजनेस फ्लरिश करेगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट अच्छे से याद रखना। अगर बिजनेस प्लान इस प्रोसेस को फॉलो करके डेवलप किया जाएगा तो वो बिजनेसमैन या जो एस्टेब्लिश्ड करने का जो एम है वो सक्सेसफुल होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, हमेशा याद रखना। इनोवेशन कहाँ पे होता है? 4 P's पे होता है इनोवेशन। बेस क्या होता है इनोवेशन का? इनोवेशन का बेस होता है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। मतलब कौन से सेगमेंट को तुम टारगेट कर रहे हो वो पर्टिकुलरली तुम्हारा इनोवेशन का बेस होगा। उस बेस के ऊपर डिपेंड करके तुम 4 P's में से कोई भी एक एलिमेंट पे तुम इनोवेट कर दो। ठीक है, जैसे कि देखो, ये 4 P's जो है, इस 4 P's में जो प्लेस है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ये इतना सैचुरेटेड हो चुका है, यहाँ पे कोई इनोवेशन होगा ही नहीं, क्योंकि अभी के टाइम पे ब्लिंकिट, जोमैटो सब होम डिलीवरी करता है विदिन 15 to 20 minutes। तो यहाँ पे तुम कोई भी इनोवेशन नहीं होगा। बचा सबसे अच्छा कौन है? प्रोडक्ट। ठीक है।